तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं बीआर रैंक। मैच के शुरू होते ही पिक पे लैंडिंग की, यहाँ से लूट वगैरह की और बंदा आया इसको फिनिश किया, फिर यहाँ से लूट वगैरह की और फिर यहाँ से लूट करके बीमा शक्ति चले गया, बीमा शक्ति लूट वगैरह की, फिर यहाँ बॉक्स आया, बॉक्स से M249 उठाई और इसके बाद देखना मैच का जल असली मजा तो यहाँ से आएगा। फिर मैंने सोचा कि जाता हूँ टावर पे बैठ के कैम करता हूँ, वहाँ पे बंदे आएंगे मारेंगे मेरे पास M249। फिर मेरा टीम मेट लूट कर रहा था और उसको पीछे से किसने गोली मारी, तो मैंने सोचा नंबर वन के पास जाते हैं और देखते हैं किसने उसको गोली मारी। उसके पास जैसे ही पहुंचे थोड़ा सा आगे गए, प्लांटेशन की तरफ पहुंच गया, फिर मैं थोड़ा सा आगे गया ताकि मुझे बंदे नजर आ जाए आसानी से। यहाँ पे आगे जाते ही देखा एक बंदे के ऊपर से लैंडिंग हो रही थी, वो देखो इसको फायर मारे, ये नॉक हो गया, इसको फिनिश किया। इसको फिनिश करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कैंप किया, देखते हैं कोई बंदा आता है नहीं आता, उसको उसका टीममेट होगा कोई उसको बचाने के लिए, हमारा बदला लेने के लिए उससे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैंप किया, फिर यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार किया, फिर मेरे टीममेट ने बोला आओ आगे चलते हैं बंदे। जैसे ही थोड़ा सा आगे गए और यहाँ पे देखा तो एक बंदा M240 लेके कैम कर रहा था, फिर मैं इसके अंदर घुस गया, थम सा इसको बॉडी शॉट मारे और ये डाउन हो गया, नॉक हो गया, फिर इसकी लूट वगैरह की। इसकी लूट करने के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा फायर हो रहे थे इधर से, फिर हमने सोचा थोड़ा सा यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे पीक लेने की कोशिश करते हैं ताकि इसका साथ नजर आए और उसको मारे। यहाँ पे थोड़ी सी कैंपिंग की, फिर इसके ऊपर चढ़ गया, फिर देखा कुछ भी नजर आया, यहाँ पे इंतजार किया उनका कि वो जैसे ही बाहर निकलेंगे हम उसको मारेंगे। यहाँ पे हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, फिर मैंने सोचा यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा, चलो हम पीछे से चलते हैं। फिर पीछे से मैं जा रहा था, थोड़ा सा मैं आगे गया, फिर यहाँ पे मुझे एक बंदा नज़र आ गया, वो देखना आप लोग, वो जा रहे हैं आगे से। फिर मैंने सोचा इसको पास में जाके इसको मारते हैं, फिर मैं आगे गया थोड़ा सा, हम तो छोड़ लाइन से इसको छोटा सा हेड दिया, छोटी डैमेज दिया और उसने खुद का गले खुद के ऊपर छोड़ दिया। इसको फिर फिनिश कर रहा था तो साइड से इसका टीममेट आ गया, मेरा टीम मेट पीछे से भाग गया, फिर मैंने इसको यूएमपी का छोटे से टुकड़े दिए और उसने भी अपना रॉकेट अपने ऊपर फोड़ दिया। फिर मैं आगे गया, इसको मैंने फिनिश किया और इसकी लूट वगैरह कर रहा था कि मुझे यहाँ से M8 7 मिल गई, बहुत मज़ा आया, इसके बाद बहुत अच्छी लूट थी। फिर मैंने M8 7 उठाई, इसकी लूट की, इसकी लूट करने के बाद मैंने देखा कि शो वाले कमरे से बंदा जा रहा था, फिर मैंने उसको फायर दिया और वो नॉक हो गया। इसको नॉक करने के बाद फिर मैं स्कूल से लूट करने बैठ गया, जिसको हमने पहले मारा था वो पीछे आ गया, मुझे आगे से फायर करने लग गया और वो पीछे आ गया, पीछे से भी मुझे मारने लग गया। यहाँ पर मैंने ग्लू डाली, फिर इसको मैंने स्कैनर खोला, इसको मारने की कोशिश की और पीछे से मुझे फायर करने लग गए। फिर मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, यहाँ पे आगे गया ग्लू डाले, फिर मैं आगे गया तो वो पीछे से बाइक लेके आ रहा था और आगे वाला भी मुझे मारी जा रहा था, पता नहीं क्या मार रहा था। फिर मैंने पीछे ग्लू डाली, एक मेडिकेट, मैंने सोचा एक मेडिकेट कर लेते हैं, फिर मैंने एक मेडिकेट की और गया, जो बाइक लेके गया था वो आगे मेरा जोन में इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं आगे गया, यहाँ पे उसने मुझे M5 के मारे, फिर मैंने M8 7 के इसको हेड दिए, इसको मैंने हेड दिए तो ये पीछे चला गया नू बड़ा। फिर मैंने यहाँ पे ग्लू डाली, फिर इसको M8 7 के दो शॉट दिए और ये डाउन हो गया। मैंने इसकी फिर बाइक उठा ली, मैंने सोचा अभी मेरी मौत आने वाली थी लेकिन मैं बच गया। फिर मैंने बाइक उठाई और इसकी बाइक पे चला गया, जोन में गया और पूरे मैप का राउंड मारा ताकि मुझे नज़र आ जाए बंदे कहाँ कहाँ पे, एक बीमा शक्ति के बंदे दोस्त थे और उसके ऊपर भी थे। मैप का पूरा राउंड मारने के बाद ना मैंने फिर बाइक रोकी एल शेप के ऊपर, ऊपर भी एक बंदा चढ़ा हुआ था, मेरे टीममेट ने उसको लॉक कर दिया और फिनिश कर दिया। फिर मैं भी यहाँ पे ऊपर चला गया और एक ऊपर से बंदा आ रहा था जो वहाँ पे फाइट कर रहे थे जब मैं बाइक लेके गया था। फिर मैंने वहाँ पे देखा पीछे से एक बंदा आ रहा था, ये मोटरसाइकिल पे आ रहा था, इसको गोली मारी और देखा पीछे से एक और बंदा आ रहा था, इसको लगे अच्छे खासे हेड और ये नॉक हो गया। इसको नॉक करने के बाद पीछे से एक बंदा फायर दे रहा था, उसको मारने की कोशिश की लेकिन मेरे टीममेट ने आगे ग्लू वॉल लगा ली। फिर मैंने पीछे शॉप की तरफ देखा तो यहाँ पे पूरी स्क्वाड थी, एक को मैंने फिनिश कर दिया,
उसको फिनिश करने के साथ हमारे हो गए थे 8 किल और यहाँ पे आके एक और बंदा भी बचा हुआ था। मेरे ख्याल में उसने अपने टीममेट को नॉक किया, फिर मैंने उसको गोली मारी, फिर ये बाइक वाला जाके इसने उसको टक्कर मार दी। ये भी नॉक हो गया, बाइक वाला भी, और उसने जिसको टक्कर मारी थी वो भी नॉक हो गया। इतने में मेरा टीममेट मर गया, मुझे पता भी नहीं चला, ऊपर से फायर आ रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे ग्लू डाली, ग्लू डालने के बाद मेडिकेट वगैरह की, अपनी हेल्थ फुल की। फिर मैंने अपने टीममेट के दोस्त के लूट वगैरह की, उसके अंदर से मुझे अच्छे खासे ग्लू वाल मिल गए। ऊपर जो बंदा खड़ा हुआ था उसके 25 की गोली मारी, फिर वो कवर में हो गया। अब हम बच गए थे 4 बंदे, यानी कि एक मैं और 3 और, एक ऊपर की साइड पे था तो मेरे पीछे के साइड पे थे। फिर मुझे आवाज़ आई कि कोई नीचे लैंड कर गया, फिर मैं नीचे गया, यहाँ से आगे गया, यहाँ पे देखा तो वो लूट कर रहा था। इसको वो दो शोर मारे मेरे समझे और ये दो मारे हुए लूट हो गया। फिर मैं आगे गया, एक मैं लेफ्ट पे बचा हुआ था और एक ऊपर से मुझे डैमेज दे रहा था, और इसी के साथ हमारे 11 के लोग आए थे। फिर जोन भी आ रहा था पीछे से, फिर मैंने ग्लू डाली, आगे गया, फिर मैं थोड़ा सा गया, फिर एक और ग्लू डाली, यहाँ पे थोड़ा सा कैंप किया, फिर आगे जोन आ रहा था, फिर आगे गए और एक और ग्लू डाली। वो मेरा लेफ्ट साइड वाला बहुत गंदी AWM चला रहा था, जब भी मैं ग्लू से निकलता मुझे AWM का शॉट मार देता, फिर उसको मारने की ट्राई की लेकिन उल्टा मुझे ही लग गया। फिर थोड़ा सा गया, मैंने ग्लू डाली और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला बंदा खड़ा था ये अभी तो आगे चला गया उसके लास्ट करने के लिए, उसने इसको MP40 से मार लिया। फिर मैं आगे गया, मैंने सोचा ये लास्ट कर रहे हैं तो मैं यहीं लेकर जाके मार देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या के काम के दो शॉट मारे मिस हो गए, फिर दो शॉट मारे फिर ये मिस हो गया। फिर यहाँ पे मैंने ग्लू डाली, मैंने कहा पीछे से जाता हूँ लेकिन वो अलग था बंद, तो यहाँ पे मारे मिस हो गया। और इसी के साथ हमारा दिया मिस हो गया।